स्कैम 2022 कोर्स मदद करता है आपके इंट्राडे ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल करने में। न जाने कितने हैप्पी कस्टमर इस कोर्स को लेने के बाद कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और ये कोर्स केवल 999 रुपए का, इतना तो आप केवल एक ट्रेड में कमा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए एंड ज्वाइन आवर कोर्स। डेटामैटिक्स स्क्रीन पे आ रखा अनिल जी, और गजब का स्टॉक है। ये स्टॉक की मैं खास बात कर दूं, ये पहला स्टॉक होगा जेन साहब के जेम्स के सीरीज में जिसको मैंने तीसरी बार दिया। तीसरी बार देने का भी रीजन है, देखिए पहली बार दिया था तो 16 मार्च 2021 था, तब 120 रुपए के भाव थे 150। फिर 23 अगस्त में दिया था, उस टाइम पे 285 पे 350, 382 का हाईज लगा के वापस से 277 के लेवल्स पे है, करेक्शन के साथ नीचे आया। और कंपनी के प्रॉफिट जो है, मतलब जब फर्स्ट टाइम दिया था तो जून 2000 मतलब उस टाइम के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे थे, तो वहां से इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑलमोस्ट डबल। आप देखिए, मैं पहले 32 करोड़ का पैट था दिसंबर 2020 में, और इस बार 48 करोड़ का पैट। और जून 2020 जो कि सबसे डेंजरस क्वार्टर, और जिस क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, देखिए मार्च 24 तारीख आज वेल्थ क्रिएशन डे है, मैं उसके ऊपर तो बाद में आऊंगा अनिल जी। एंड बट उस समय से लेकर अब तक ये कंपनी मल्टीबैगर तो हो ही चुकी है, बहुत सारी कंपनियां हुई हमारे सारे पैनल के सबने बहुत जबरदस्त स्टॉक्स दिए हैं, टीम ने हमारा काम किया था। और मैं एक और बात कहूं कि इस पूरे सीरीज में, इस पूरे एक साल में और दो साल में, सबसे बड़े जो आपने जो क्रिएशन किया, वेल्थ क्रिएशन डे तो है ही अनिल जी, साथ साथ ये जो स्पेशलाइज्ड और सबका जो एक ब्रांडिंग की, सारे जो पैनलिस्ट है, स्पेशल पैनल बना जी बिजनेस का, मुझे लगता है सबसे बड़ा गिफ्ट आया है पूरे टीवी चैनल देखने वाले व्यूअर्स के लिए। और सब ने अपनी अपनी जो स्पेशलाइज पिक्स है, स्पेशलिटी आपने चुन के लाए और एक बेहतरीन क्रिकेट की टीम बनाई है। 83 की आज बात हो रही थी, 83 से भी बढ़कर ये टीम बनी है हमारी। बट एनीवेज, डेटामैटिक्स में मैं आऊंगा। 11 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, और पिछले 5 साल का प्रॉफिट का कैगर भी 11-12% के लगभग है, जीरो डेट कंपनी है, फैंटास्टिक मैनेजमेंट है। मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करी थी, और 141 करोड़ का पैट है पिछले 12 महीने का टीटीएम बेसिस पे, 1600 करोड़ की कंपनी है। और अगेन 71-72% तो प्रमोटर्स की स्टेक है, FIIs भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 1.5-2% उनकी भी है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग देखता हूँ, उसमें भी 6-7% कुछ सिंगल 1% से ऊपर वाले शेयर होल्डर्स के पास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सर्विसेज या सर्विसेज मुहैया करवाती है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इन सर्विसेज की आजकल जबरदस्त डिमांड है। तो AI जहां नाम लग जाता है, क्लाउड जहां नाम लग जाता है, वो स्टॉक्स जबरदस्त चलते हैं। और कंपनी का मैनेजमेंट देख रहा था, मिस्टर ललित कानोड़िया एक जबरदस्त विजनरी है और बहुत रिनाउंड नेम है और बहुत रेस्पेक्टेबल नेम है, MIT से निकले हुए हैं और आज भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में MIT के। और दूसरा है मिस्टर राहुल कानोड़िया, ही इज अगेन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके का प्रमोटर्स का एजुकेटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी मैनेजमेंट है, मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए, इन लेवल्स पे आराम से वापस से 350 के लेवल्स दिखाएगा। 50 के टारगेट के लिए डेटामैटिक्स में करनी है खरीदारी,